23 मई 2023 का दिन है, 1984 भारत की बात करते हैं। बछेंद्री पाल जी, हाँ बिल्कुल, एक ऐसा नाम है जो बच्चे बच्चे को याद है। उत्तरकाशी जिला की रहने वाली हैं, ये उत्तराखंड की राजेश, आज के दिन माउंट एवरेस्ट समिट पर ये जा पहुंचे थे। बिल्कुल, चोटी पर। और यहाँ पर पहुँचने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। जी, भारतीय महिला। बिल्कुल राजेश, 23 है, हालांकि अगले दिन का बर्थडे भी था, हाँ, जो फिर कैंप से उतर के वहीं मनाया था, बड़ा सारी टीम ने। राजेश, इन्हें इसी कारनामे के लिए, इस उपलब्धि के लिए 2019 में पद्म भूषण सम्मान भी दिया जा चुका, काफ़ी लेट मिला लेकिन मिला। हाँ। बड़ी बात क्या थी राजेश, जब इन्होंने ये स्केल किया था माउंट एवरेस्ट समिट को, ये दक्षिणी ढलान की ओर से चढ़े थे जो कि बहुत स्टीप मानी जाती है राजेश जी, और जब ये चढ़ रही थी उस दिन और उससे पिछले दिन, हाँ, हवा की गति थी वहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 किलोमीटर जी, और टेम्परेचर जो था वो था -40 डिग्री सेल्सियस। ओह माय गॉड, बहुत चैलेंजिंग, हार्ड जमाने वाली। बिल्कुल बिल्कुल, -40, सोच के देखिए आप जरा। आगे बढ़ते हैं, 1951 तिब्बत, अब तो हम उसे चीन ही मानते हैं, आज के दिन चीन ने तिब्बत पर कब्जा जमा लिया था जी। उसके बाद हिज होलीनेस दलाई लामा जी यहाँ आए ना जी। बिल्कुल, तो आज के दिन एनेक्स किया था तिब्बत को चीन ने, और उसे अपना एक स्वायत्त शासी, एक इलाका घोषित कर दिया था कि बोलने को स्वायत्त शासी है, शासन हमारा रहेगा क्योंकि हमारा ही है, आपको पता है चीन का ये भी मेरा, हाँ, वो भी मेरा। और उसके बाद फिर तिब्बत की आज़ादी का संघर्ष शुरू हुआ जो अभी तक जारी है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। 2015 राजेश, जॉन नैश, ये नाम आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा और शायद काफ़ी ने नहीं भी सुना है। जिन्होंने नहीं सुना है, जिनको नहीं जानते हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा जल्दी जल्दी। ये वर्ल्ड फेमस अमेरिकन मैथमेटिशियन राजेश, हाँ, आज के दिन इनका निधन हुआ था जी। तो ऐसी क्या बात है कि हम के निधन की चर्चा कर रहे हैं राजेश। 1994 में ये मैथमेटिशियन थे, ध्यान रखिए, इन्हें 1994 में नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अच्छा जी, जी इकोनॉमिक, और किस लिए? एक राजेश बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी है मैथमेटिक्स में, बहुत ज़्यादा है, एक गेम थ्योरी नाम से थ्योरी है जी। कई चीज़ों को, मतलब आप ये कहिए कि उसमें गेम्स की तरह, या आप अगर उसमें, मैं यहाँ पे नहीं जाना चाहता कि थोड़ी लंबी बातचीत हो जाएगी, उसके इन्होंने मैथमेटिकल प्रिंसिपल दिया था उस गेम थ्योरी का। आप इसके बाद जो भी मैथ्स के स्टूडेंट हों या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हों, या वैसे भी आप उसको देख सकते हैं, इंटरनेट तो आपके फ़ोन में है ही, वक्त लगेगा ज़रूर देखिएगा। गेम थ्योरी का इन्होंने मैथमेटिकल प्रिंसिपल दिया था राजेश, और इसके लिए ही इन्होंने, इन्हें मिला था नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। अच्छा राजेश, बड़ी 86 वर्ष की उम्र में जब इनका आज के दिन निधन हुआ, उस समय पे ये सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थे जी। और कौन सा सिज़ोफ्रेनिया? पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया। सिज़ोफ्रेनिया देखिए, ये एक मानसिक व्याधि है, रोग है, जैसे होता है ना राजेश एंग्जाइटी है ना, बड़ा ज़्यादा हो जाता है, अलग तरह से होता है, तो फिर उसे हम कहते हैं डिप्रेशन है। डिप्रेशन, ये डिप्रेशन की सबसे खतरनाक फॉर्म होती है सिज़ोफ्रेनिया जिसे कहते हैं राजेश। इसमें हेलुसिनेशंस होती हैं, है ना, अजीब अजीब चीज़ें दिखती हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं, बड़ा कुछ होता है, आप देखते हैं जैसे, ये इससे पीड़ित थे। और राजेश ये बड़े लंबे समय तक पीड़ित रहे थे, और ये दिक्कत उन्हें तब भी थी जब इन्होंने गेम थ्योरी पे मैथमेटिकल प्रिंसिपल वो किया था जी। तो आप देखिए, इतने चैलेंजिंग लाइफ होने के बावजूद राजेश, इन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, बड़ी ज़बरदस्त है, आप अगर उसे देख पाएं, यूट्यूब पर शायद उपलब्ध है, उसका नाम है अ ब्रिलियंट मैडनेस। ब्रिलियंट मैडनेस। और ये जॉन नैश पे है, डॉक्टर जॉन नैश पे जी। राजेश इन्होंने सबसे पहले केमिकल इंजीनियर बनने की सोची, एडमिशन इनको मिल गई, फिर उन्होंने छोड़ दिया कि मज़ा नहीं आया, फिर उन्होंने केमिस्ट्री में एडमिशन ले ली, कुछ आनंद इनको वहाँ नहीं आया, फिर इनको लगा कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता हूँ, फिर इन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा, और फिर उसमें इन्होंने डॉक्टरेट की, पीएचडी की, और फिर इनकी उपलब्धियाँ ये थी। बड़ी बात, पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त, नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स में, ये मैथमेटिशियन, और नोबेल प्राइज मिलता है इकोनॉमिक्स में, क्या इसलिए